लोअर वेतल का हमने एरोली में दो दो वीडियो शूट किए और मुझे कुछ लोगों ने बोला कि एरोली में आप खाने का वीडियो बना रहे हो और आपने जो सबसे बड़ी खाओ गलीज है आजकल यानी कि माइंड स्पेस में वो तो आपने कवर ही नहीं की, इसलिए मैंने सोचा आज चलते हैं और माइंड स्पेस की खाओ गली को एक्सप्लोर करते हैं। और मैं भी खुद फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ और यहाँ पर देखने से काफ़ी सारे स्टॉल्स दिखाई दे रहे हैं और मुझे पता चला कि शाम को यहाँ पे और भी ज़्यादा रश होती है। इस खाओ गली में दो तीन वेंडर्स ऐसे हैं जिनका बहुत ही अलग स्पेशल तरीका है। एक तो है डांसिंग एग वेंडर जो ऑमलेट्स बनाते हैं डांस करते करते, और एक तो है फ्लाइंग चाय वाला जो कप हवा में उछालते हैं और फिर उसमें चाय सर्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि इसका पार्ट टू भी आप देखना चाहते हैं क्या। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं एरोली माइंड स्पेस की खाओ गली में। तो यहाँ पे वड़ा पाव के दो दो स्टॉल्स दिखाई दे रहे हैं मगर यहाँ पे मैंने देखा कि ये गर्मा गर्म भजिया फ्राई कर रहे हैं और वड़े भी इन्होंने फ्राई किए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहीं पे ट्राई कर लेते हैं। ये है साई वड़ा पाव और यहाँ आके मुझे पता चला कि ये इसमें कॉर्नफ्लेक्स भी ऐड कर देते हैं अगर आप भजिया ले लो या वड़ा ले लो। सो कॉर्नफ्लेक्स वड़ा पाव फर्स्ट टाइम सुना है। अगर आपने कभी पहले सुना है कॉर्नफ्लेक्स वड़ा पाव या कॉर्नफ्लेक्स भजिया पाव तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो ये मैंने गरम गरम आलू के भजिए ले लिए हैं और बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है, एकदम फाइनली स्लाइस किया हुआ है आलू को और एकदम क्रिस्पी भजिया दिखाई दे रहे हैं। साथ में इन्होंने चटनीज दी हुई है, तीन चार तरह की चटनी है। तो चलिए भजिया ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसे हैं। कुछ ये आई थिंक दिस इज़ मीठी चटनी और ये कुछ येलो चटनी है, ग्रीन चटनी है एंड ये सूखा लाल चटनी जो यूजुअली बटाटा वड़ा के साथ मिलती है। तो चलिए ये चटनी ट्राई करते हैं, येलो वाली। द भजिया इज वेरी क्रिस्प और गरम गरम है तो अच्छी तरह लगेंगे ही। जो येलो चटनी है इसमें नारियल का फ्लेवर आ रहा है, सेंगदाना यूज़ किया है, तो थोड़ा सा कॉर्न फ्लेक्स के साथ में खा के देखते हैं कैसा लगता है। इट इज़ एडिंग मोर क्रंच टू द डिश, यमी। मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स वड़ा पाव भी ले लिया है। एक्चुअली मैं दूसरा वाला स्टॉल ट्राई करने वाली थी बटाटे वड़े के लिए, बट सिंस आई सॉ कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और प्लस एक कॉर्नफ्लेक्स वाला कॉन्सेप्ट कुछ अलग लग रहा है तो मैंने सोचा कि यहीं पे ट्राई करती हूँ। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि बटाटे वड़े एकदम गर्म गर्म तल के निकाले जा रहे हैं। There's lots of हरा धनिया, राई दिखाई दे रही है, साबुत धनिया भी इसमें दिखाई दे रहा है। सो कॉर्नफ्लेक्स के साथ में ये वाला वड़ा पाव ट्राई करते हैं। सो द वड़ा पाव टेस्ट इंडीड वेरी गुड अलॉन्ग विद द क्रंच ऑफ कॉर्नफ्लेक्स और आप जरूर ये चीज ट्राई करना। अगर आप कहीं भी वड़ा पाव खाते हो तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स घर से ले जाना या घर पे बटाटा वड़ा बना के उसमें डालना क्योंकि बहुत ही बढ़िया लग रहा है और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। के पास आलू की भजिया तो है ही बट साथ में प्याज के पकौड़े एंड पेटिस भी दिखाई दे रही है। नहीं, ऑल आई वाज सेइंग इज वी डू नॉट हैव मच ईटरीज हियर, दिस बीइंग एन आईटी कंपनी वी हैव मेनी ईटिंग ऑप्शंस इनसाइड द कैंपस, वी हैव कैफेटेरियास एंड ऑल, सो दीस आर लोकल सेटअप्स। इट इज नाउ ओनली बूमिंग बिकॉज नाउ पीपल आर कमिंग बैक टू ऑफिस। व्हेन इट वाज वर्क फ्रॉम होम वी डिड नॉट हैड ऑल दीस सेटअप्स हियर, सो यह दैट्स इट। सो व्हाट ऑल थिंग्स हैव यू ट्राइड हियर? I don't often come here. It is just now that we have got some free time. So these was just, you know, out of kadai. So I couldn't resist. So we thought of having one. That's it. Any Mumbaikar you ask, vada pav is always worth. So yeah. जैसे मुंबई में वड़ा पाव फेमस है वैसे ही कोलकाता में फेमस है काठी रोल। तो यहाँ पे एक काठी रोल का भी शॉप मुझे दिखाई दिया तो मैंने सोचा कि इसी स्टॉल पे आके ट्राई करती हूँ। बहुत अलग अलग वैरायटीज़ हैं इनके पास काठी रोल की, वेज काठी रोल है, एग रोल है, चिकन है, चिकन चीज़ है,
काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, पनीर के भी कुछ रोल्स हैं और यहाँ पे एक और चीज़ मुझे यहाँ पे इनके पास दम बिरयानी भी अवेलेबल है, उसको भी एक लुक दे देंगे हम लोग कि कैसे दिखाई दे रही है। फिलहाल मैंने इनका जो बेस्ट रिकमेंडेड रोल इन्होंने बताया है मुझे, दैट इज़ द चिकन एग चीज़ रोल, तो वो ले लिया है मैंने। सुनने में ही मुझे काफ़ी फीलिंग सुनाई दे रहा है और बनते वक्त भी दिखाई दे रहा था, तो ट्राई करते हैं कि स्वाद कैसा है। सो आई एम ग्लैड आई ऑर्डर्ड दिस रोल। यहाँ आने के पहले मुझे ऐसे कुछ लग नहीं रहा था कि कैसा होगा, पता नहीं, बट आई एम इंडीड वेरी हैप्पी। जो इन्होंने इसका जो जो ब्रेड है, जो रोटी है जो मैदे की बनाते हैं, इतना बढ़िया से सेका है, बहुत ही क्रिस्प हो गई है। फिर उसके ऊपर इन्होंने एग को फ्राई किया, सो दैट मेक्स इट ऑमलेट अलॉन्ग विद दैट रोटी, और चिकन भी बहुत ही अच्छा टेंडरली कुक्ड है, तो एक जूसी फ्लेवर आ रहा है रोल में। ऊपर से उसमें इन्होंने शेजवान सॉस भी ऐड की है, तो एक हल्का सा चाइनीज टच आ रहा है इसके फर्स्ट बाइट में ही। सो मिक्स ऑफ फ्लेवर्स, देयर इज़ मेयोनेज, देयर इज़ चीज़, तो उसकी वजह से जो आजकल जो हम नए नए आइटम्स ट्राई करते हैं, नॉट द रेगुलर वंस एंड ट्रेडिशनल वंस, बट न्यू वंस जिसमें मेयोनेज और चीज़ का यूज़ ज़्यादा होता है, वैसा टेस्ट है, बट इट इज़ नॉट ओवरलोडेड विद चीज़ एंड मेयोनेज। जितना अच्छा लगे बस उतना ही डाला है इन्होंने। लॉट्स ऑफ रॉ अनियंस, जिसकी वजह से अनियंस का भी क्रंच आ रहा है, एंड दिस इज़ रियली डिलीशियस। तो ये भैया ने मुझे दम बिरयानी भी टेस्ट करने दे दी है और इन्होंने मुझे बताया कि बहुत ही स्पेशल तरीके से बिरयानी बनाते हैं। द चिकन इज सो सॉफ्ट, जैसे ही मैंने स्पून रखा वैसे ही टूट गया, और ये बहुत बढ़िया सा मसाला इसमें दिखाई दे रहा है। राइस भी काफ़ी खुला खुला है। इसके साथ में इन्होंने सर्व किया है ये बॉयल्ड एग, प्याज और नींबू, थोड़ा सा नींबू भी इसमें डाल देते हैं। So let's take the first bite. जो मसाला है बिरयानी का टेस्ट इज रियली अमेजिंग, और चिकन जैसे मैंने आपको दिखाया नाइसली कुक्ड, अगेन द चिकन हियर ऑल्सो इज जूसी, रोल में भी जो चिकन के पीसेस थे काफ़ी जूसी थे। सो ऐसे बहुत ही ऑयली और स्पाइसी वाली बिरयानी नहीं है, क्वाइट फ्लेवरफुल एंड डिलीशियस, एंड ओवरऑल आई लाइक बोथ द रोल एंड द बिरयानी। भैया क्या क्या मिलता है यहाँ पे? ऑमलेट पाव है, चिकन कटलेट है, भुर्जी है। अच्छा, वो उनका बहुत बात थी ना। और ये यहाँ पे बढ़िया सा दिखने वाला ऑमलेट बन रहा है दो पाव के साथ में। भैया का स्टाइल देखिए, इतना फास्ट ये बना रहे हैं कि कितनी भी रश यहाँ पे आ जाती है आराम से उसको केटर कर सकते हैं। चिकन कटलेट भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे तवे पे, तो चलिए ऑमलेट पाव ट्राई करते हैं। भैया अभी मुझे दे दो। ये क्या चीज़ है? चिकन कटलेट। ये पका हुआ है क्या? तो मैंने यहाँ पे लिया है ऑमलेट पाव, तो दो पाव के साथ में एक डबल ऑमलेट देते हैं ये, और इसमें इन्होंने ग्रीन चटनी एंड प्याज भी डाली हुई है फाइनली चॉप की हुई, और ऑमलेट भी दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम गरम गरम इन्होंने अभी बना के दिया है। सो लेट्स टेस्ट की कैसा लगता है इनका ऑमलेट पाव। नाइसली कुक्ड ऑमलेट प्याज के साथ में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मैं घर पे भी जब ऑमलेट बनाती हूँ ना, तो मैं फाइनली चॉप किया हुआ रॉ अनियन ऊपर से डाल के खाती हूँ। हाँ, ग्रीन चटनी मैंने कभी खाई नहीं थी इसके साथ, टमाटो केचप खाया था, तो आज ग्रीन चटनी के साथ भी खाया, वो भी अच्छा लग रहा है। तो प्राइसेस ₹30, और इनके पास ये भुर्जी पाव भी बना रहे हैं, तो काफ़ी टेम्पटिंग दिखाई दे रहा है भुर्जी पाव भी। ही इज़ द डांसिंग ऑमलेट वाला वेंडर, तो इनके ऊपर एक स्पेशल डांसिंग वेंडर का भी एक वीडियो बन सकता है।
आपका स्वागत है। एक कप पानी वाला वापर दूँ एक्टिवेट ग्राहक मेरे खुश हो जाए और मैं अच्छे चाय मतलब अच्छा मेरे किस्से में जितने आए तो मेरे अच्छा खिला दूँ ऐसा हो रहा है मेरे। इसके लिए मैंने ये हौसला बढ़ाया। मोदी जी से आ करते ऐसा ही कस्टमर को अगर आपका स्वागत है। यहाँ पे चाय भी मिलती है और यहाँ पे मुझे बहुत सारे बंस दिखाई दे रहे हैं, साथ में केक एंड कुछ अलग टाइप के कुकीज वगैरह दिखाई दे रहे हैं। ओ माय गॉड, तो चलिए फिर चाय का भी स्वाद लेते हैं। अब तो पीनी पड़ेगी। हेलो, मैं पीने वाली नहीं थी भैया, लेकिन आपने ऐसा कप उड़ा है मुझे पीना पड़ रहा है। मेरी तरफ से पीलो, नो टेंशन, मेरे मेहमान हो। थैंक यू। तो भैया आप बताइए कि ये जो आप कप उड़ाने का स्टाइल है ये कहाँ से सीखे? ये मैंने डोली का वो देख के यूट्यूब पे नागपुर वाले को देख के मैंने स्टाइल चालू किया। अच्छा, इसलिए मेरा हौसला बढ़ गया। तो ऐसे क्यों करते हैं? मेरे ग्राहक लोग को खुश होते हैं, मेरे ग्राहक लोग खुश होकर चाय पीते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। मेरे ग्राहक को क्या खिला दूं? डॉली चाय वाले से इंस्पायर होके भैया ने ये कप उड़ाने वाला स्टाइल अपने स्टॉल पे यूज किया है और इनको भी बहुत मजा आता है ये सब करने में, ताकि कस्टमर्स खुश हो जाए इनको देखें। और ये बुला रहे हैं सारे यूट्यूबर्स को, इन्वाइट कर रहे हैं कि आके इनका वीडियो बनाए। सो ये बहुत सारे पार्सल्स मैंने ले लिए हैं क्योंकि इतना ज्यादा खाना तो नहीं खा सकते, बस आपको टेस्ट करके बताने के लिए। और ये काफी सारी कुकीज इनके पास दिखाई दे रही है अलग अलग तरह की। ये वाली मुझे सबसे अच्छी दिखाई दी तो इसके लिए मैं इसे भी ट्राई कर रही हूँ। जैसे जिमजाम बिस्किट होता है ना, उसके बीच में कुछ स्वीट लेयर होता है, बहुत हल्का सा स्वीट, वेरी माइल्ड, लेकिन बहुत ही क्रंची एंड नाइस कुकी है। ओनली फॉर ₹5 और चाय है सिर्फ ₹10 की। चाय का टेस्ट देखते हैं। वाओ, मसाला टी बहुत अच्छी लगी। लेमन टी, ब्लैक टी, कॉफी, केसरी काला, रजवाड़ी पटेल रजवाड़ी चाय। कब भी अगर आप इनका देखो तो बहुत ही डिफरेंट है। यूजुअली जो चाय के स्टॉल्स पे मिलता है कटिंग वाला छोटा सा ग्लास, वो नहीं है, काफी अलग है। बढ़िया फ्लेवर है, मसाला चाय है और इलायची की भी बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। और इन भैया का फ्लाइंग चाय वाला स्टाइल देखे एक्चुअली कस्टमर्स वाकई में खुश हो जाते हैं, एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई टू गॉट हुक्ड ओवर हियर। अदरवाइज मैं यहाँ पे कुल्फी फालूदा दिखाई दे रहा है वो खाने वाली थी, तो अब मैंने यहाँ पे केसरी उकाला भी ले लिया है जो मैं काफी टाइम के बाद पी रही हूँ। चलिए देखते हैं केसरी उकाला कैसा बनाते हैं यहाँ पे। वाओ, इट्स इंडीड अमेजिंग। इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें, इलायची की, केसर की और दूसरे ड्राई फ्रूट्स डाल के बहुत अच्छे से पकाया है दूध को। इट्स वेरी फ्लेवरफुल और इस पूरे खाऊ गली में खाने की चीज़ें तो है ही, बट आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू ट्राई दिस केसरी उकाला। ये जो भैया का स्टॉल है, जैसे ही आप खाऊ गली में एंटर करते हो सबसे पहला स्टॉल है इनका। तो यहाँ पे छोले भटूरे का भी स्टॉल दिखाई दे रहा है और हर जगह आप देखो तो काफ़ी रश है, और जैसे जैसे लंच टाइम होते जा रहा है तो रश बढ़ती जा रही है। इस तरफ एक डोसा वाला स्टॉल दिखाई दे रहा है, काफ़ी अलग अलग तरह के डोसे हैं इनके पास में। तो यहाँ पे ये कुछ वेज थाली जैसा स्टॉल भी दिखाई दे रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ पे खा रहे हैं, काफ़ी गर्दी दिखाई दे रही है। इसमें आई कैन सी चपाती, छोले, आलू की सब्जी एंड थोड़ा सा सैलड है, बट वी आर ऑलरेडी सो फुल कि इसे अब हम नहीं ट्राई कर सकते। सो भैया तो वाकई में अपने कस्टमर्स को खुश करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। जो इनका कप है आपने देखा अलग तरह का है, उसको उड़ाने का तरीका भी काफ़ी अलग है, एंड इनकी जो चाय है और जो केसरी उकाला है वो तो इतना बढ़िया है कि मैं तो ये कहूँगी आप एरोली से बाहर भी कहीं रहते हो तो आप यहाँ पे आके ज़रूर एक बार ये उकाला और ये चाय ट्राई करके देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस खाऊ गली का पार्ट 2 बनाऊं तो वो भी मुझे कमेंट में बता दीजिए। जल्दी मिलेंगे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए खाओ पियो खुश रहो।